हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ना सीखने वाले हैं, साथ में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट। और इसमें आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेगा, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। तो और इसमें जो भी ग्रामर का रूल आएगा वो भी मैं एक एक बात को मैं अच्छी तरह से समझाती चलूँगी, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आज की स्टोरी का टाइटल है माई फादर, मेरे पिताजी। माई फादर, मेरे पिताजी। माई फादर इज अ वंडरफुल पर्सन हु प्ले अ बिग रोल इन माई लाइफ। मेरे पिताजी, ये क्या है? मेरे पिताजी क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर क्या शो करता है? प्रेजेंट को। इज है और एक ये आर्टिकल है, ठीक है। वंडरफुल अद्भुत, पर्सन व्यक्ति, हु जो, यहाँ पे देखिए हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो एक यहाँ से यहाँ तक एक हुआ सेंटेंस और ये जो है इधर का एक सेंटेंस यहाँ तक है, इसको जोड़ने का, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन, वही है हु जो, ठीक है। जो प्ले, प्ले रोल मीन्स होता है भूमिका निभाना, ठीक है। जो भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं, ऑब्विक एक बड़ा, इन माई लाइफ मेरे जीवन में, माई फादर इज अ वंडरफुल पर्सन हु प्ले अ बिग रोल इन माई लाइफ। मेरे पिताजी एक अद्भुत व्यक्ति हैं जो मेरे जीवन में एक बड़ा भूमिका निभाते हैं। ही इज अ काइंड एंड लविंग मैन। ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है। वह हैं एक दयालु, यहाँ पे जो है इज क्या है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें वर्ब नहीं है, ठीक है। वह एक दयालु है और लविंग, प्यार करने वाला। प्यार करने वाला मैन, आदमी। ही इज अ काइंड एंड लविंग मैन। वह एक दयालु और प्यार करने वाला आदमी है। एवरी डे, हर रोज, ही गोज टू वर्क टू सपोर्ट आवर फैमिली। ही गोज, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे भाव के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा हुआ, ठीक है। ही गोज, वह जाते हैं, ताहें, ती हैं, ते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, टू वर्क, काम के लिए, काम करने, टू सपोर्ट, समर्थन के लिए, टू मींस के लिए, आर फैमिली, हमारे परिवार के। ही गोज टू वर्क टू सपोर्ट आर फैमिली। वह काम करने हमारे परिवार के समर्थन के लिए जाते हैं। ही हैज़ अ जॉब वेयर ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी सो दैट वी कैन हैव अ गुड लाइफ। ही हैज़ अ जॉब, उनके पास, जब प्रेजेंट में हमारे पास कुछ होता है तो हैज़ या फिर हैव का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ है। उनके पास या फिर उन्हें एक नौकरी है, उनके पास एक नौकरी है। वेयर, जहाँ, ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, टू अर्न मनी,
पैसे कमाने के लिए, टू मीन्स के लिए। सो दैट, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि वी कैन हैव अ गुड लाइफ। हैव मीन्स होता है पाना, ठीक है, प्राप्त करना। हैव का अलग अलग यूज़ होता है, यहाँ पे पाने के लिए करेंगे, ठीक है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। हम पा सकते हैं, कैन मी शकना, एक अच्छा लाइफ, जीवन। ही हैज अ जॉब, उनके पास एक नौकरी है। वेयर, जहाँ, ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करते हैं। टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए। सो दैट, ताकि वी कैन हैव अ गुड लाइफ, हम पा सके एक अच्छा जीवन, हम एक अच्छा जीवन जी सके, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। ही इज़ ऑल्सो रियली गुड एट फिक्सिंग थिंग्स अराउंड द हाउस। ही इज़, वह हैं, ऑल्सो भी, वह भी हैं, रियली वास्तव में, गुड अच्छा, अच्छे, इट फिक्सिंग थिंग्स, चीज़ों को ठीक करने में, चीज़ों को, फिक्स मीन्स होता है ठीक करना, ठीक है, फिक्सिंग मीन्स ठीक करना, थिंग्स मीन्स चीज़। अराउंड द हाउस, घर के आसपास, घर के चारों ओर। ही इज ऑल्सो रियली गुड एट फिक्सिंग थिंग्स अराउंड द हाउस, वह भी वास्तव में है अच्छे चीज़ों को घर के आसपास ठीक करने में, यानी कि घर के आसपास के जो भी चीज़ होता है वो ठीक कर देते हैं। माई फादर इज अ स्ट्रॉन्ग, मेरे पिताजी हैं मजबूत। मेरे पिताजी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इज हैं स्ट्रॉन्ग, मजबूत। माई फादर इज स्ट्रॉन्ग, मेरे पिताजी मजबूत हैं। एंड और आई फील सेफ, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, वेन, जब, आई और एम का कॉन्ट्रेक्शन है, आई एम, इसे एम पढ़ा जाता है, मैं हूँ या मैं रहती हूँ उनके साथ, उनके विद मींस के साथ। एंड और आई फील सेफ, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ, आई एम विद हिम, उनके साथ, जब उनके साथ होती हूँ। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, वी हैव फन टुगेदर, हैव फन मीन्स होता है मज़े करना, हम मज़े करते हैं, टुगेदर एक साथ, वी हैव फन टुगेदर, हम एक साथ मज़े करते हैं, वी प्ले गेम्स, हम गेम खेलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, गेम खेलते हैं। गो टू द पार्क, पार्क जाते हैं। और किक अ बॉल अराउंड इन द बैकयार्ड, या किक अ बॉल, यहाँ पे देखिए किक मीन्स होता है लात मारना, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं फुटबॉल खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, पैर से मार करके बॉल खेलते हैं। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन्स होता है पिछवाड़ा, जो हमारे घर के पीछे जो जगह छूटा हुआ रहता है, ठीक है, पिछवाड़े के चारों ओर, आसपास। वी हैव फन टुगेदर, हम एक साथ मजे करते हैं, वी प्ले गेम्स, हम गेम खेलते हैं, गो टू पार्क, पार्क जाते हैं, और किक अ बॉल,
बॉल खेलती हैं अराउंड इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े के चारों ओर। ही टेल्स मी एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट हिज ऑन चाइल्डहुड ऑन एडवेंचरस ही हैड। ही टेल्स, वह कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, कहते हैं, मी मुझे, वही जब ऑन नेगेटिव सेंटेंस रहता तो डू या डज का प्रयोग होता, ठीक है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। एक्साइटिंग स्टोरीज, उत्साहित कहानियाँ। अबाउट हीज ऑन, अबाउट मीन्स के बारे में, हीज उनके, अपने, बचपन और एडवेंचरस मीन्स होता है रोमांचक। ही हैड, जब पास्ट में हमारे पास कुछ होता है तो हैड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उनके पास जो था, पास था। ही टेल्स मी एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट हिज ऑन चाइल्डहुड एंड एडवेंचरस ही हैड। वह कहते हैं मुझे उत्साहित कहानियाँ उनके अपने बचपन और रोमांचक के बारे में। ही हैड, जो उनके पास था, वन थिंग, एक चीज, आई एडमायर अबाउट माई फादर इज हिज विस्डम, मैं एडमायर प्रशंसा करती हूँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, मेरे पिताजी के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, माई फादर मेरे पिताजी, इज हैं, हिज विस्डम उनके बुद्धि, उनके बुद्धि के। वन थिंग, एक चीज, आई एम एडमायर अबाउट माई फादर इज हिज विस्डम, मैं प्रशंसा करती हूँ मेरे पिताजी के उनके बुद्धि के बारे में। ही गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस अबाउट लाइफ एंड हाउ टू बी अ गुड पर्सन। ही गिव्स, वह देते हैं मी मुझे वैल्यूएबल, बहुमूल्य, कीमती एडवाइस, सलाह जीवन के बारे में। एंड और हाउ टू, कैसे, हाउ टू मीन्स कैसे, वी होना है, अ गुड पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति, ही गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस अबाउट लाइफ एंड हाउ टू बी अ गुड पर्सन, वह देते हैं मुझे बहुमूल्य सलाह जीवन के बारे में और एक अच्छे व्यक्ति कैसे होना है। ही टेल्स मी टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट, वह कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, मी मुझे, टू ऑलवेज, हमेशा, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बीमिश, बनना या फिर होना। ही टेल्स मी टू ऑलवेज बी ऑनेस्ट, वह मुझे हमेशा ईमानदार बनने के लिए कहते हैं। हार्ड वर्क, मेहनती, एंड और ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, ट्रीट, व्यवहार करो अदर्स, दूसरों के साथ, अदर्स भी दूसरों के साथ, काइंडनेस, दयालुता से,
एंड और रिस्पेक्ट आदर्शी। ही टेल्स मी, वह कहते हैं मुझे, टू ऑलवेज हमेशा, बी ऑनेस्ट ईमानदार बनो, हार्ड वर्क हार्ड मेहनती, एंड और ट्रीट अदर्स विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, और दूसरों के साथ दयालुता और आदर्शी व्यवहार करो। हिज वर्क्स आर लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर मी एज आई ग्रो अप। हिज वर्ड्स, उनका शब्द या उनका बात, आर हैं लाइक, जैसे एक सन, गाइडिंग लाइट मीन्स मार्गदर्शन। फॉर मी, मेरे लिए, मी मीन्स मुझे, मेरे लिए, ठीक है, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। एज, जैसे आई ग्रो अप, मैं बढ़ी। मैं बढ़ी हूँ। हिज वर्ड्स आर लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर मी एज आई ग्रो अप। उनका शब्द जैसे एक मार्गदर्शन मेरे लिए हैं। आई ग्रो अप, मैं बढ़ी हूँ। एज आई ग्रो अप, जैसे मैं बढ़ी हूँ। माई फादर इज नॉट जस्ट अ ग्रेट डैड। मेरे पिताजी इज नॉट, नहीं है, जस्ट मात्र, अ ग्रेट डैड, एक महान डैड। माई फादर इज नॉट जस्ट अ ग्रेट डैड, मेरे पिताजी मात्र एक महान डैड नहीं है, बट, लेकिन, ही और इज का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, इसे हिज पढ़ा जाता है। ही इज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड, वह हैं भी एक अच्छा बट लेकिन ही इज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड, वह भी एक अच्छा दोस्त हैं। वी शेयर लाफ्टर एंड फन मोमेंट्स टुगेदर, हम बांटते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हंसी और मजेदार क्षण टुगेदर, एक साथ। वी शेयर लाफ्टर फॉर एंड फन मोमेंट्स टुगेदर, हम बांटते हैं हंसी और मजेदार क्षण एक साथ। ही ऑफन टेक्स मी ऑन एडवेंचरस लाइक हाइकिंग इन द वुड्स और विजिटिंग इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन आवर टाउन। वह अक्सर, इसे ऑफन पढ़ी या ऑफ्टेन पढ़ी, दोनों सही है, ठीक है, ले जाते हैं मी, मुझे, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, ठीक है, अन एडवेंचरस, रोमांच पर लाइक, जैसे हाइकिंग मीन्स होता है लंबी यात्रा के लिए इन द वुड्स, जंगल में, इनमेंस में, और या विजिटिंग, जाना, इंटरेस्टिंग, मजेदार, प्लेसेस, जगह, इन आर टाउन, हमारे शहर में, ही ऑफन टेक्स मी ऑन एडवेंचरस, वह अक्सर मुझे रोमांच पर ले जाते हैं, लाइक, जैसे हाइकिंग
इन द वुड्स और विजिटिंग इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन आवर टाउन, जैसे लंबी यात्रा जंगल में या मज़ेदार जगह हमारे शहर में जाना। दीज आउटिंग्स क्रिएट ए स्पेशल मेमोरीज दैट आई विल ऑलवेज चेरिश। दीजिए दिस का प्लुरल है, दिस होता है, ठीक है। ये दिस आउटिंग्स, ये सैर क्रिएट बनाता है स्पेशल खास मेमोरीज यादें दैट जिससे आई विल ऑलवेज मैं ऑलवेज हमेशा चेरिस खुश होऊंगा। दिस आउटिंग्स क्रिएट ए स्पेशल मेमोरीज दैट आई विल ऑलवेज चेरिस। ये सैर खास बनाता है यादें जिससे मैं हमेशा खुश होऊंगा। आई नो माई फादर लव्स मी वेरी मच। मैं जानती हूँ मेरे पिताजी प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मी मुझे वेरी मच, बहुत अधिक। आई नो माई फादर लव्स मी वेरी मच। मैं जानती हूँ मेरे पिताजी प्यार करते हैं मुझे वेरी मच, बहुत अधिक। एंड और आई लव हिम टू। मैं भी, टू मीन्स भी, मैं भी उन्हें प्यार करती हूँ। एंड और आई लव हिम टू। मैं भी उन्हें प्यार करती हूँ। ही इज माई हीरो बिकॉज वह हैं मेरे हीरो, बिकॉज क्योंकि ही टेक्स केयर ऑफ आवर फैमिली, वह ख्याल रखते हैं हमारे परिवार को। एंड और मेक्स मी फील लव्ड, मुझे प्यार महसूस कराते हैं, मुझे प्यार महसूस कराते हैं। एंड और प्रोटेक्टेड संरक्षित, ही इज माई हीरो बिकॉज वह मेरे हीरो हैं, बिकॉज क्योंकि ही टेक्स केयर ऑफ हर फैमिली, वह हमारे परिवार को देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं। एंड और मेक्स मी फील लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, मुझे प्यार महसूस कराते हैं और संरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।